अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बैंगन के पकोड़े और आज हम आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताएंगे। आप इसको इजीली खुद घर पर बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हमने कुछ बैंगन लिए हैं और इनको हम काट लेंगे। बैंगन को हम गुलाई में काट लेंगे। छिलके हम नहीं उतारेंगे। इसी तरह हम बाकी बैंगन को भी कट कर लेंगे। तो ये हमने बैंगन को काट लिया है। तो ये हमने आधा कप बेसन लिया है। तो इसमें हम 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 प्याली पानी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। तो देखिए बैटर हमारा कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम बैंगन को लेंगे और इसको डिप करेंगे। दोनों तरफ से हम अच्छे से कोट करेंगे। तो ये हमने एक बर्तन लिया था और इसमें ऑयल ऐड किया था। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम बैंगन को इसमें ऐड करेंगे। फिर से हम एक पीस लेंगे बैंगन का, इसमें ऐड करेंगे। दोनों साइडों से अच्छे से कोट करेंगे और ऑयल में ऐड करेंगे। इसी तरह हम बाकी पीसेस को भी फ्राई करेंगे। तो बैंगन हमारे एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड पलट देंगे। तो बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इनको हम डिश आउट करेंगे। तो देखिए तैयार है हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े के बैंगन पकोड़े की रेसिपी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। यकीनन आपको ये बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।